टी20 वर्ल्ड कप 2007 में अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया को विश्व चैंपियन बनाने वाले दिग्गज बल्लेबाज युवराज सिंह और ईशू पठान एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं। बेशक आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग की टीमों ने इन दोनों दिग्गज ऑलराउंडर बल्लेबाजों से किनारा कर लिया, लेकिन अगले महीने शुरू हो रही श्रीलंका प्रीमियर लीग में यह दोनों दिग्गज बल्लेबाज अपनी तूफानी बल्लेबाजी का जलवा बिखेरते दिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी एक बार फिर युवराज सिंह और ईशू पठान को मैदान में चौके और छक्के लगाते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बता दें, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 और आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 में युवराज सिंह की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर ही भारतीय टीम फाइनल तक का सफर करने में कामयाब रही थी। आईसीसी वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की हार लगभग तय लग रही थी, यहां तक कि इंग्लैंड के प्लेयर्स जीत की जश्न मनाने की पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरे युवराज सिंह ने अकेले ही इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इस मैच के दौरान युवराज सिंह ने न सिर्फ तूफानी बल्लेबाजी की बल्कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में इकलौते ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया। युवराज सिंह की इस तूफानी पारी के दम पर भारत ने अंग्रेजों के जबड़े से जीत छीन ली। युवराज सिंह जैसा विश्व चैंपियन ऑलराउंडर बल्लेबाज शायद ही टीम इंडिया को दोबारा मिले। हाल ही में प्रैक्टिस मैच के दौरान युवराज सिंह ने एक बार फिर एक ओवर में 6 छक्के लगाकर साबित कर दिया है कि आज भी वह दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। अब देखना दिलचस्प होगा, श्रीलंका प्रीमियर लीग में युवराज सिंह का चयन होगा या फिर नहीं। युवराज के अलावा ऑलराउंडर बल्लेबाज ईशू पठान भी श्रीलंका प्रीमियर लीग में अपनी तूफानी बल्लेबाजी का जलवा बिखेरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।